नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरियाणा त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने थायराइड रोग से संबंधित जानकारी आपको दी थी। इस वीडियो में मैं आपको थायराइड रोग की होम्योपैथिक चिकित्सा से संबंधित जानकारी दूंगा। होम्योपैथिक दवा का सेवन करके आप थायराइड रोग से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, एवं अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए हम चलते हैं थायराइड रोग की होम्योपैथिक की चिकित्सा की ओर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि थायराइड रोग दो प्रकार के होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एवं हाइपरथायराइडिज्म। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ हाइपोथायराइडिज्म रोग की चिकित्सा के विषय में चर्चा करूंगा। होम्योपैथिक में ऐसी कई औषधियां हैं जिनका निरंतर सेवन करके आप हाइपोथायराइडिज्म रोग से छुटकारा पा सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की पहली औषधि है थायरोडीनम 3X। थायरोडीनम 3X की दो दो गोली करके दिन भर में 3 बार लगभग 2 महीने तक निरंतर सेवन करना है। दूसरी औषधि है कैल्केरिया कार्ब 30। कैल्केरिया कार्ब 30 को 2 गुन करके सुबह, दोपहर और रात में लेना है। इसे भी लगभग 2 महीनों तक लगातार लेना होगा। ये दो मुख्य औषधियां हैं जो कि थायराइड रोग में कार्य करती है। और तीसरी औषधि है थूजा 200 के उपयोग करने से हमारे शरीर में हार्मोन का बैलेंस हो जाता है। थायरोडीनम 3X, कैल्केरिया कार्ब 30, ये दो मेडिसिन तो कंटिन्यू चलाना ही है। साथ साथ लक्षणानुसार आपको होम्योपैथी की कई और औषधियों की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें कुछ प्रमुख औषधियां हैं, इन्हें लक्षणानुसार व्यवहार में लाया जा सकता है। पहली औषधि है सीपिया 30। दुबली पतली स्त्रियों में इस दवा का व्यवहार किया जाता है। जिनमें अधिक चिड़चिड़ापन हो तब सीपिया 30 को सुबह शाम 2 बूंद की मात्रा में 1 महीना तक लगातार देना चाहिए। तीसरी औषधि है फाइटोलेक्का 30। अधिकतर मोटे लोगों में जिनकी चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रही है, जिनके शरीर में चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उन्हें फाइटोलेक्का 30 का व्यवहार सुबह, दोपहर, शाम 2 बूंद की मात्रा में 30 दिनों तक लगातार करना चाहिए। इससे ज़्यादा लाभ मिलता है। अगली औषधि है बेराइटा कार्ब 30। छोटे बच्चों में अगर थायराइड की शिकायत दिखे तो इस औषधि से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगली औषधि है पल्साटीला 30। मासिक धर्म समय पे ना आना या बहुत ज़्यादा आना, रोगिनी थोड़ी सी बातों में ही रो पड़ती हो, वाइट डिस्चार्ज का शिकायत उन्हें बना रहता है, कमर में दर्द हमेशा बना रहता है, तब पल्साटीला 30 को 2 बूंद की मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम लगातार 1 महीने तक चलाना चाहिए। लक्षणानुसार इन औषधियों का प्रयोग करने के साथ ही आपको ये नहीं भूलना है कि थायरोडीनम 3X एवं कैल्केरिया कार्ब 30 का उपयोग आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लगातार 2 से 3 महीने तक करते रहना है। उसके बाद आप अपने थायराइड की जांच करा सकते हैं।
2 से 3 महीने तक जब आप इस दवा का सेवन करेंगे तब आपको इसका रिजल्ट बखूबी नजर आएगा। इन दवाओं का सेवन करते करते आप अपने निकटवर्ती चिकित्सक से अवश्य संपर्क कर अन्य लक्षणों की चिकित्सा साथ साथ कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई विशेष परेशानी समझ में आए तो आप उसके निदान हेतु हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते मैं आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में मैं आपको हाइपर थायरॉयडिज्म की होम्योपैथिक औषधि के विषय में बताऊंगा। नमस्कार।